नवरात्रि का त्यौहार हो और हमें अपने गार्डन से कुछ ऐसा मिल जाए जो हमें पूजा में इस्तेमाल करने के लिए होता है, जैसे कि ये आम के पत्ते और ये लाल गुड़हल का फूल जो माता जी को चढ़ता है, फिर तो बस मज़ा ही आ जाए, क्योंकि ये किसी और के घर से लेना मांगना मुश्किल होता है। तो मैंने भी अपने घर में ये गुड़हल के फूल, दो पेड़ है मेरे पास, मैं उनसे इसको इस्तेमाल करती रहती हूँ। और देखिए, आज चंद्रघंटा माता का दिन है और मेरी जौ भी कितने अच्छे से ग्रो कर गई है, माता जी का आशीर्वाद मिल रहा है और ये ऐसे ही धीरे धीरे ग्रो करती है। और फिर ये चौथे दिन देखिए, आज कूष्मांडा जी का दिन है तो ये कितने अच्छे से ग्रो कर गई है, क्योंकि मैंने इसे थोड़ा सा भिगा के लगाया था एक दिन पहले, तो जो इतने अच्छे से ही ग्रो कर जाती है। मैं हर साल इसी तरह से इसे भिगाकर अपने कलश में स्थापित करती हूँ और ये 4 या 5 दिन में ही पूरी अच्छे से ग्रो करके तैयार हो जाती है। माता की कृपा बनी रहे सबके ऊपर और जय माता दी। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपकी जौ कितने दिन में अच्छे से ग्रो कर जाती है और आप लोग उसे कैसे लगाते हैं, और आपको आपके गार्डन से कौन कौन से फूल मिल जाते हैं अपने पूजा पाठ के लिए। और मेरा वीडियो और कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए और कमेंट करते रहिए। थैंक यू।